सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स रिवाइज़ किए होंगे, और ये जो वीडियोस हैं ये आप शेयर भी करते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको पूरा फ़ायदा मिले, और उनसे भी बोलना कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक को इंग्लिश स्पीकिंग का फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहले प्रेजेंट टेंस को रिवाइज़ किया था और साथ में नाउंस को रिवाइज़ किया था। आज हम प्रोनाउंस को रिवाइज़ करते हैं। प्रोनाउंस आपको जैसे पता ही है, मैंने पहले ब्रीफ में मैंने सब बताए थे, तो इसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। नाउंस के बदले जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, जैसे राकेश, राकेश के बदले राकेश इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ 10 years old, ही उसके लिए ये नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है और ये प्रोनाउन है। जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर यूज़ होते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो आपको मैंने बताया था, इसके अलावा और भी ब्रीफ में सब कुछ बता दिया था, उसी को थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। अब ये कई तरह के होते हैं, जैसे जो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, फर्स्ट टाइप में आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इसमें इसको पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कहते हैं, देखिए ये आई, आई का प्लूरल क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है, वी। अब आई और वी जो होता है, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात कर रहा है, मैं बात कर रही हूँ या हम बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन है। और यू जो है जिसके साथ बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, ठीक है, उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। और दे, ही, शी, इट, जिनके बारे में बात कर रहा है किसी दूसरे लोग, जिनके बारे में बात की जा रही है, वो थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, आई, वी, जो बात कर रहे हैं, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है। अब ये नॉमिनेटिव केसेस होते हैं, ये जो सिंपल होते हैं ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट की तरह ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, एज अ सब्जेक्ट, जैसे आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। अब इसमें साथ में वर्ब का यूज़ होता है, मैंने आपको टेंसेज इसीलिए थोड़े थोड़े शुरू करा दिए ताकि आप सेंटेंस को समझ सकें। वी आर कुकिंग, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस में दूसरे प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे आई के बदले मी, वी के बदले अस, यू के बदले यू, दे के बदले देम, इसके बदले नहीं, यानी इसके स्थान पर ये यूज़ किया जाता है, ही के लिए हिज, हिम, एंड शी के लिए हर, और इट के लिए इट्स। ये जो शब्द हैं ये भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ये एज ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। ये जो शब्द हैं इधर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब एज सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट। और ये वाले शब्द जो हैं ये एज ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यू के बदले यहाँ यू है, यहाँ कर सकते हैं आई लाइक
यहाँ पर इट यूज़ कर दो, यहाँ से उठा के कोई भी, अब मी तो मी भी कह सकते हैं या इट, ठीक है, इसको इट भी कह सकते हैं, आई लाइक इट या आई लाइक हर। अब यहाँ पर मैंने हर यूज़ किया तो ये हर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया और ये भी पर्सनल प्रोनाउन है जो कि एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया, यहाँ से हर, ठीक है। इसी तरह से वी, डिफीटेड, वी डिफीटेड देम, हमने उन्हें हराया, ठीक है। यहाँ पर देम, देम क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट चूज़ किया, वैसे एज अ सब्जेक्ट क्या है दे, जब देम यूज़ किया एज अ ऑब्जेक्ट तो ये भी प्रोनाउन है। इस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और भी आप कह सकते हैं ही हर्ट यू, ही हर्ट यू, उसने आपको नुकसान पहुंचाया, उसको उसने आपको तकलीफ पहुंचाई, तो यू, यू के, यू का जो है ऑब्जेक्ट ऐसे यू ही यूज़ होता है, ठीक है। ये जो शब्द हैं ये एज ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। इट के बदले इट्स भी यूज़ होता है, इट भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब शी, शी लाइक्ड हर, शी लाइक्ड हर, ठीक है। अब वो उसको पसंद करती थी तो इसमें हर जो है एज ऑब्जेक्ट चूज किया है, तो इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। इसको अच्छी तरह से देखना है, इस तरह से आपने 8-10 वाक्य बनाने हैं जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसके बाद हम देखते हैं डेमोंस्ट्रेटिव, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स बताए थे ना, दिस दैट, ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी वही होते हैं, दिस दैट, दिस का प्लूरल है दीज और दैट का प्लूरल है दोज, ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें दिस जो है इसका जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट क्या होता है, उल्टा शब्द दैट है, और दीज का उल्टा शब्द क्या है, दोज। इसके कई वाक्य बनते हैं, आप भी बना लेते होंगे, जैसे दिस इज़ अ बुक, दीज आर बुक्स, प्लूरल के लिए दीज यूज़ होता है, दैट इज़ अ हाउस, दोज आर द हाउसेस, ठीक है। प्लूरल के लिए जो चीज़ दूर है दोज यूज़ किया जाता है, और इस तरह छोटे छोटे वाक्य हम इनसे बना सकते हैं, ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, जैसे ईच, नन, ईच, नीदर, आइदर, नन, चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। जैसे यू कैन टेक ईदर ऑफ दीज एप्पल्स, ऑफ दीज टू एप्पल्स, ठीक है, इन दो एप्पल्स में से आप एक ले सकते हैं। ही हैड नन ऑफ दोज एप्पल्स, ठीक है, ही टुक नन ऑफ दोज एप्पल्स, या आई लाइक ईच बुक आई हैव रेड, मैं हर बुक लाइक करती हूँ जो मैंने पढ़ी है। नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम प्लेड वेल, उनमें से कोई भी अच्छी तरह से नहीं खेला, ठीक है। नीदर मतलब नेगेटिव होता है, और इधर क्या होता है, एक, दो में से एक
कोई भी चीज़ लेनी हो तो आइदर का यूज़ किया जाता है. तो यू कैन टेक ईदर ऑफ द, यू कैन टेक आइदर ऑफ द टू टॉयज. आप दो खिलौनों में से कोई भी ले सकते हैं. ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जो कि जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कि किस तरह से कितनी चीज़ लेनी है, इनमें से कितना हिस्सा आपने लेना है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है. अब उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इसे इंटरोगेटिव भी कहते हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, डब्ल्यू एच के शब्द यूज होते हैं. डब्ल्यू एच फैमिली मैंने आपको बताई थी ना, क्या होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हू, हूज, हूम, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो कि डब्ल्यू एच फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं. और हाउ, इसमें कई क्वेश्चंस बनते हैं. व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल, व्हेन मींस कब, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस, मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको बनाकर बता रही हूँ, व्हाई आर यू डूइंग दिस, Why are you shouting? ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है. और इसमें who, who is there outside, who is going to school, इस तरह से इसके कई क्वेश्चंस बनते हैं. हूज कहाँ यूज होता है, किसका, ये किताब किसकी है, हूज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है. ठीक है, ये किसकी किताब है, हू, किसको, Whom are you searching for? आप किसको ढूंढ रहे हो. Whom are you? Searching for. ठीक है, आप किसको ढूंढ रहे हैं. तो इस तरह से ये डब्ल्यू एच फैमिली के शब्द हैं जो कि क्वेश्चंस बनाते हैं. ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं सभी. इसके बाद आ जाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस. इसमें जैसे कोई भी इंसान है जो क्लियर नहीं है कि कौन है, सम बॉडी, एवरी बॉडी, ठीक है, सम बॉडी, एवरी बॉडी, ऑल, ठीक है, ईच, फ्यू, सम, इस तरह के शब्द जो यूज होते हैं ये इनडेफिनेट, यानी कि डेफिनेट नहीं होता कि कितने हैं लोग, किसने किया. अब इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं. Somebody did this work, किसी ने ये काम कर दिया, ठीक है, यानी मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया, पता नहीं किसने किया. Somebody, somebody did this work, ठीक है, किसी ने ये काम कर दिया. और
एवरीबॉडी, वॉज प्रेजेंट, एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट. अब एवरीबॉडी जो है ये सिंगुलर की तरह यूज होता है. हर इंसान, ईच वन, हर इंसान प्रेजेंट था, तो इसके साथ वर नहीं लगेगा, वॉज ही लगता है. ठीक है. अब फ्यू, जैसे देर आर अ फ्यू कॉइन्स ऑन द टेबल, मेज पर कुछ सिक्के पड़े हैं. अ फ्यू कॉइन्स, ठीक है, इसमें अ फ्यू का मतलब है बहुत कम. तो अगर हम बिल्कुल फ्यू लिख दें तो वो एक तरह से नगण्य होते हैं, ना के बराबर. तो फ्यू शब्द जो है बिल्कुल ना के बराबर के लिए यूज किया जाता है. अ फ्यू का मतलब बहुत थोड़े. अ फ्यू कॉइन्स, देर आर अ फ्यू कॉइन्स ऑन द टेबल, कुछ सिक्के मेज पर पड़े हैं. ठीक है. आई टुक द फ्यू कॉइन्स डैट वर लाइंग देयर, मैंने कुछ सिक्के लिए जो वहां पड़े थे. अब यहां पर द फ्यू कॉइन्स लगाया, यहां पर अ फ्यू मीन्स थोड़े से पड़े हैं, द फ्यू कॉइन्स यानी जितने पड़े थे उसमें से कुछ मैंने ले लिए, तो तब द फ्यू शब्द का इस्तेमाल होता है. कुछ सिक्के मैंने उसमें से ले लिए. ठीक है. तो इस तरह से ये जो शब्द हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो है ये यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. इस तरह से आपने कई वाक्य बनाने हैं जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए. इसी तरह से होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये कौन से होते हैं? जब इसमें किसी चीज पर स्ट्रेस भी डाला जाता है, एम्फेसिस भी डाला जाता है. आई डिड इट माई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ. जब किसी चीज पर स्ट्रेस डाला जाता है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या एम्फेटिक प्रोनाउंस भी इनको बोलते हैं. एम्फेसिस जब डाला जाता है किसी चीज पर, तो यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ, आपको अपना काम खुद करना चाहिए. यहाँ पर योरसेल्फ का मतलब है खुद. ठीक है. आपको अपना काम, यू तीन बार यूज हुआ यहाँ पर, आपको अपना काम खुद स्वयं करना चाहिए. योरसेल्फ ये एम्फेसिस डाल रहा है कि आपको करना है. इसी तरह से माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ. ठीक है. ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है ये यूज़ किए जाते हैं और इनको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे वाक्य बनाकर. शी बॉट दिस ड्रेस फॉर हरसेल्फ, उसने ये ड्रेस अपने लिए खरीदी. हर सेल्फ, ठीक है. यहाँ पर ये जो कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है और स्ट्रेस डाला गया कि उसने अपने लिए ये खरीदी है. अगर फॉर हर फ्रेंड कह सकते हैं, किसी और के लिए खरीदी हो तो दूसरा शब्द यूज़ करेंगे. तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं इसके भी आप कुछ वाक्य बनाएं जिससे आपको
अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। अब एक चीज़ होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस कि किस ऑर्डर में प्रोनाउंस को लगाना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ की जैसे कोई काम करते हैं और कोई बहुत अच्छा काम करता है, तीन लोग हैं, उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया, तो किस तरह से आप कहेंगे? एक ही है, ठीक है, आई है, ठीक है, यू है, ये तीन प्रोनाउंस हैं। इन तीनों ने अच्छा काम किया, मैंने, उसने और आपने, तो किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे? ठीक है, अगर अच्छा काम किया है तो पहले दूसरे की प्रशंसा करेंगे, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है? यू, ठीक है। और फिर हम थर्ड पर्सन की प्रशंसा करेंगे कि ही, यू, कॉमा, कॉमा डालते हैं ना थोड़ा सा रुकने के लिए, ही एंड आई प्लेड वेल, प्लेड वेल, यू सेकेंड पर्सन। इसका ये होगा 2+3+1, 2+3+1 का मतलब यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और वन आई, आई फर्स्ट पर्सन। क्योंकि जब हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो मैं अपनी प्रशंसा पहले नहीं करूँगी, मैं पहले किसकी प्रशंसा करूँगी? दूसरों की करूँगी ना, तो अपना मैं सबसे पीछे लगाऊंगी आई, ठीक है। तो ये इस क्रम में हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन लगाएंगे। अगर तीन लोग कोई काम कर रहे हैं तो किस तरह से उसको लगाना है, और जो पीछे वर्ब होगा वो आई के साथ रिलेटेड होगा, जैसे आई है उसके साथ लगता है वैसे लगेगा, ठीक है। यू, ही एंड आई प्लेड वेल। इसी तरह से जब कोई काम अच्छा नहीं हुआ, ये तो हो गया ना 2-3-1, और जब कोई काम ठीक नहीं हुआ तब क्या करेंगे? 1+2+3, आई, यू एंड ही डिड नॉट प्ले वेल, डिड नॉट प्ले वेल। अब इसमें मैं ब्लेम पहले अपना ले रही हूँ कि मैं भी नहीं खेल ली अच्छी तरह से। पहले नंबर वन आई, यू सेकेंड पर्सन, ये यू सेकेंड पर्सन है, एंड थ्री ही, ठीक है, थर्ड पर्सन। आई, यू एंड ही डिड नॉट प्ले वेल। अब सबसे पहले मैंने किसका नाम लिया? ताकि दूसरे को बुरा ना लगे। जब हमने अच्छा खेला तो आई जो था वो सबसे पीछे था, जब हमने कुछ खराब खेला तो मैं अपनी जिम्मेवारी सबसे पहले ले रही हूँ, आई जो है सबसे आगे आ रहा है। 1-2-3, यहाँ पर 2-3-1, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन होता है। इसी तरह से अब एक बात है कि मान लीजिए हमारी टीम खेल रही है, हमारी टीम खेल रही है ना, 11-12 जितने भी हमारे सारे सदस्य खेल रहे हैं, टीम है, तो अगर हम अच्छा खेले हैं तो मैं तब प्लूरल में आई को आगे रखूंगी। क्यों? क्योंकि मैं टीम का मनोबल नहीं कम नहीं करूंगी। तब हम क्या करेंगे, जैसे आई का प्लूरल क्या होता है, जब वी, तब हम 1+2+3 करेंगे, 1+2+3,
प्लूरल में, प्लूरल में वी, यू का प्लूरल क्या होता है यू, एंड थर्ड पर्सन यू ही शी इट का प्लूरल क्या होता है दे, एंड दे प्लेड वेल. वी यू एंड दे प्लेड वेल. अब यहां पर मैंने ये 1, 2, 3 क्यों कर दिया, क्योंकि ये प्लूरल है एक तो, और प्लूरल में मैं अकेली नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैं अपना अपने आप को सबसे आगे रख रही हूँ. मैं पूरी टीम का मनोबल रखने के लिए अपनी टीम को सबसे आगे कर रही हूँ, ताकि हमारी टीम का मनोबल ना कम हो. तो वी 1 + 2 + 3 यू एंड दे प्लेड वेल. इस तरह से इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस. कोई बात करते हैं तो किस तरह से प्रोनाउंस को यूज करना है, ठीक है. कोई भी जब कार्य होता है तो इस तरह से हम कर सकते हैं. इसी तरह से वी यू एंड दे वन द मैच, ठीक है. और आई यू एंड ही, अब यू तो सिंगुलर प्लूरल में एक जैसा ही है, कुड नॉट विन द मैच. इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस. ये आपको याद रखना है कि 1, 2, 3 कहाँ यूज करना है और 2, 3, 1 कहाँ यूज करना है. यहाँ हमने 1, 2, 3 किया, यहाँ भी 1, 2, 3 किया, और बीच में मैंने जो सेंटेंसेस बनाए थे 2, 3, 1 के, कि जब हम दूसरे को श्रेय देते हैं तो हम 2, 3, 1 का यूज करते हैं, ठीक है. इस तरह से आप 15-20 सेंटेंसेस बनाइए. पहले आप 1, 2, 3 के साथ बनाइए कि जो अच्छा काम किया है, और फिर आप 2, 3, 1 के साथ बनाइए जो गलत काम किया है कैसे. तो इस तरह से आपको प्रोनाउन के ऑर्डर का पता चलेगा, और आप अच्छी तरह से आपको यहाँ मैंने प्लेड वेल लिखा है, ये मैंने पास्ट टेंस यूज़ कर लिया. कोई बात नहीं, आप आर प्लेइंग कर सकते हैं, जो टेंस हमने कर ली है ना उसमें से यूज़ करके आप सेंटेंस बना सकते हैं. प्रेजेंट तो कर लिया है ना, तो प्रेजेंट टेंस के आप कुछ वाक्य बना सकते हैं. इसी तरह से सारे प्रोनाउंस आप अच्छी तरह से रिवाइज करें और इनके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं, जिससे कि आपको जो है आगे भी जब हम करेंगे कई अभी जो टेंसेस वगैरह भी करेंगे और भी जो समझेंगे आगे ग्रामर, तो आपको आगे परेशानी ना हो, ठीक है. तो आशा है आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे और करेंगे, ताकि आप फिर इनको बोलने की भी कोशिश करना, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो भी बेटर हो जाए, ठीक है. धन्यवाद. स्टे ब्लेस्ड.